तो अभी बाइक जा रही है भाइयों के साथ, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था उसके लिए जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं, तो मैं आपको उधर पहुंच के बताता हूँ। घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अभी एक और कज़न भी उधर आगे, तो उसको पहुंचने वाले हैं आगे से, उसको लेकर तो फिर हम निकलते हैं। हेलो तो यार, एक हेलो तो यार, दिस इज़ नेक्स्ट डे, ठीक है। तो रात को मैं उस पर गया था, रास्ते की आपने कुछ छोटे से वीडियो भी देखी होगी, तो उस पर मैं गया था। बट बड़ी बात ये थी कि मैंने वहाँ पे मोबाइल नहीं निकाला, क्योंकि उधर एक मोबाइल एक बंदा था उसका भी चोरी हो गया था, तो मैंने फिर ख़ुद नहीं निकाला। मैंने कहा ये ना हो, सख्ती का कोई पता नहीं होता किस टाइम आ जाए, तो मैंने इस टाइम मैंने फिर उधर मोबाइल निकाला ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार ब्लॉग, फिर जब आज मतलब जुम्मे ना, आज का दिन छोड़ के ना, तो अभी कल हफ्ता है, तो कल को उधर क्वाली होगी, तो कल ब्लॉग बना लेंगे। तो मैंने फिर ये सोचा था कि कल ब्लॉग बना लेंगे। तो अभी का ये सिस्टम है कि जाना है ज़रा कज़नों की घर तरफ, मामा ने कोई चीज़ बोली है तो मैं उनसे लेके आता हूँ, सो फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं। और पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, देखें माशाल्लाह जी। तो आप ये सुनिए आवाज़ यार, इधर अगर मैं निभा सकूँ, बिल्कुल ये इस जगह पे ना बहुत सारी जो मैंने चिड़ियाँ, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी इनकी आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं अगर आप सुन रहे तो। इन्होंने माशाल्लाह पूरा शोर डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अभी अभी यार जस्ट पहुँचे उनकी घर की तरफ, जाने भी शुरू हो गई हैं, जो काम करना था वो कर लिया है। और ये देखो यार, ये हैं उस्मान भाई, तो बड़े दिनों के बाद फाइनली मैं छत पे हूँ, मेरे दिन चार ब्लॉग हैं। यार एक बात पे मुझे हंसना आ गया, इनकी तरफ मैंने किया ना कैमरा, ये करने लगे थे सलाम, तो मैंने वापस इधर कर लिया। सो बड़े दिनों के बाद यार मैं इधर आया हूँ, तो मतलब आवाज़ अच्छी लग रही है, पर गांव में बहुत अच्छा सीन था। कि उस्मान भाई क्या हुआ है यार, तो यार अभी हम इधर बैठे हैं, ठीक है दोनों भाई, और अजान भी हो रही है, और माशाल्लाह जो है हर तरफ जो है ना अजानें हो रही हैं, देखें आप हर तरफ जो है माशाल्लाह अजान हो रही है। तो अभी चुप करके अजान सुनते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी अभी यार हुई है अजान ख़त्म, तो दुआ कर लेते हैं साहब। ठीक है जी, दुआ कर ली है। तो अभी जो है मैं जब गांव गया था ना, उससे पहले जो मैंने मतलब जाने का व्लॉग बनाया था ना, तो मैंने उस मीनार का बनाया था, जो मीनार है ना सामने मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने उस मीनार का बनाया था, बट डिलीट हो गया था, मैंने वो बताया भी था, मैं आपको एक मीनार दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो मीनार था जिसका मैंने व्लॉग बनाया था, मतलब इसके जो है ना यार मैं वो फुल ऊपर गया था, फुल मैंने ऊपर इसके जाकर व्लॉग बनाया था, बड़ा मज़े का व्यू आया था, किसी दिन मैं फिर जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी वो नीचे गया हुआ है, नीचे गया हुआ है, ज़रा मेरे ख्याल से उनका कबूतर है, आपको पता है वो छेड़छाड़ लगाते हैं, तो कभी कबूतर बैठ जाता है, तो वो करने गया वगैरह। तो एक जो था मेरा यारा काम था ना, वो तो मैंने काट लिया था, वो अभी बाइक गया यहीं पर ट्यूशन पढ़ता है मतलब नीचे कज़न के घर, तो उसके हाथ मैंने वो चीज़ दे दी है, मैंने कहा आप जाकर मामा को दे देना। तो अभी जो है बात ये करनी है कि कल मतलब क्वाली का क्या टाइम है, किस टाइम जाना है, और क्या क्या मतलब उधर सिस्टम लगाना है। तो अभी वो आए ना, फिर उससे बस ये बात करके फिर मैं भी निकलता हूँ अपने घर की तरफ। तो आपको पता है आजकल डेंगू जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, डेंगू काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं भी यहाँ पर इतनी देर फिर बैठूँगा नहीं, मैं भी निकलने वाला काम करूँगा, क्योंकि सख्ती का कोई पता नहीं होता जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये ना अल्लाह ना करे डेंगू हो जाए तो काम बड़ा ख़राब है। तो मैं फिर भी निकलूँगा, बस वो आए उसके साथ बात करके, बाबू आए फिर उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो उस्मान भाई आ चुके हैं, तो अभी इनके साथ यार उधर का मैं डिस्कस थोड़ा करता हूँ। तो उस्मान भाई बात सुने ना, आपने कल जो है ना तकरीबन यही कोई 7-7:30 में तकरीबन आपको कॉल करूँगा, या मैंने जिस टाइम भी आपको कॉल की, हो सकता है कल तो मैं अकेडमी जाऊँ, अकेडमी से मैं आ गया, जिस टाइम मैंने आपको कॉल की ना, तो आपने पहुँचना है मेरे घर, ठीक हो गया, ठीक है। तो पकाया जो है कपड़े शपड़े सही ज़बरदस्त से पहन के आना, मैं भी सही ज़बरदस्त पहनूंगा। और ये बताऊँ क्वाली फुल नाइट है, सुबह फजर के टाइम तक फुल क्वाली है,
तो पता नहीं अब कौन से कॉल आ रहे हैं बकाया। हम तो जाएंगे लॉक शॉक बनाएंगे, क्यों सामान भी लिए थे। अपना मोबाइल ले आना आप, ठीक है अपना मोबाइल भी आप ले आना, क्योंकि आपको पता है मेरे मोबाइल का ज़रा स्पेस का भी मसला है। मैंने वीडियो में भी बताया था कि वीडियो यार डिलीट हो जाती है स्पेस के मसले से। तो उस्मान भाई आप अपना ले आना, उस पर ब्लॉग बना के वहीं से एडिट करके मैं अपनी तरफ खा लूँगा। मैं अपना आई फोन उठा कर ले आऊँगा। आई फोन तो आपके पास है नहीं, मतलब जो टेक्नो है वही ले आना, उसी को इधर मैं आई फोन कहता हूँ। ठीक है ठीक है। तो कल जो है ना आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो ना? जी जी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। आप पहले नहीं गए? पहले कभी नहीं। मैं तो रात को भी उस पे गया था, बस मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया। आपने भी अभी बोला था कि व्लॉग क्यों नहीं बनाया, व्लॉग बस इसीलिए नहीं बनाया यार, उधर एक और बंदे का जो मोबाइल चोरी हो गया था, फिर मैंने निकाला ही नहीं है मोबाइल। मैंने कहा ये ना हो, पता नहीं होता, खासकर इन मौक़ों पे बड़ी चीज़ें चोरी होती हैं। तो मैंने फिर मोबाइल नहीं निकाला, ना मैंने व्लॉग बनाया। तो अभी बात हमारी बस तकरीबन हो गई है, तो अभी निकलने की मैं यहाँ से करता हूँ 5-10 मिनट बैठ के, तो फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो बकाया व्लॉग देखते हैं क्या बनता है। तो यार अभी हो चुकी है रात, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे मैं निकलता हूँ नीचे, और मैं उधर से उतरता हूँ। ये आ गई है जी, अब हम उठाते हैं और निकलते हैं अभी यहाँ पर। मैं इसको रात के ना फिर निकलता हूँ घर की तरफ, और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, ठीक है। तो ये घर की तरफ हम निकल रहे हैं, और काइंडली आर सॉरी जो डेली व्लॉग नहीं आ रहे और दूसरा छोटे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, ये बस घर आने वाला दिखा दूँ आपको, सामने वाला मेरा घर है। तो बस से इधर साथ मेरे घर है, अभी मैं घर पहुँच के फिर हेलो। तो दिस इज नेक्स्ट डे, ठीक है। कल रात को मैं घर से आ गया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत कुछ इतनी ख़राब हुई। मैं आपको दिखाता हूँ टाइम, अभी 3 दिन से मैं जा रहा नहीं हूँ ट्यूशन, और एक दिन स्कूल नहीं गया। टाइम देख लें आप, तकरीबन 3:45 हो रहे हैं, और तरीके भी देख लें 22 तारीख है आज। मैं आपको भी अपनी मेडिसिन वगैरह दिखा देता हूँ। दिन को तो मेरी तबीयत की जितनी ख़राब हो गई थी कि तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और आज है भी कवाली है, ठीक है। मिस भी नहीं कर सकता उसे भी, इस साल में फिर एक दिन ही आता है, मतलब 2 दिन आते हैं ना उर्स, एक दिन उर्स होता है और एक दिन कवाली, तो वो मैं मिस भी नहीं कर सकता। तो अभी मैं पहले आपको यार दवाई वाली वो दिखा देता हूँ लिस्ट आपको। यार इसके अंदर है कुछ दवाई मेरी, ठीक है, इधर है इसके अंदर, इसको मैं रखता हूँ एक मिनट पर साइड पे। और ये देखो यार, ये सामने आपका भाई नाम भी लिखा हुआ है हामिद अली। ये देखो यार कितनी उन्होंने मतलब डॉक्टर राइटिंग वाली मार करना तो बहुत कुछ लिख दी है। पिछले साइड पे भी अभी ये चीज़ें मैंने लाई हैं, तो ये मैं लाया था दिन को, तो अभी कुछ मेरी हल्की सी तबीयत सेट हुई है। और अभी जो है आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, रुके। तो आपको यार मैं वो चीज़ दिखाता हूँ, आप भी कह रहे होगे क्या चीज़ है, एक मिनट। ये कुछ मेरे पास पैसे हैं, आप तो कहेंगे ये पैसे हैं। अभी इनमें से जो ग्रीन ग्रीन चीज़ है ना, ये आजकल पाकिस्तान में बहुत चल रही है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, एक मिनट। ये देखें, हाँ जी, तो ये है 75 का नोट, ये आजकल मिल रहा है 75 रुपये यहाँ पर, मिल 100 रुपये का रहा है ये। आपको मैं पूरा इसका ओवरव्यू कराता हूँ, देखिए ये देखें जी 75, ये 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं 14 अगस्त को, तो उसको उन्होंने बनाया। और इसका मैं टेस्ट भी करूँगा, मतलब कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता, और ये वाटर प्रूफ है कि नहीं है, मैं वो सारी वीडियो बनाऊंगा एक, मतलब दुकानों पर जाके लैदा पूछूंगा, अगर बांध सका तो। बकाया ये मेरे पास भी आ गया यार 100 रुपये के, आपके भाई ने पूरा लिया है तो 75 का, पर महंगा निकला है आज का। आपको पता है हमारी पाकिस्तानी आवाम कुछ ऊपर लगा के देती है। तो अभी मैं निकालता हूँ यार कवाली के लिए कपड़े पा रहे हुए, सबसे पहले यहाँ से पहले चीज़ें उठाता हूँ, ये उठा के डालते हैं जी जेब में,
और अभी जो है मैं निकालता हूँ कपड़े, कपड़े दिखा के फिर डी एंड करते हैं, और फिर कवाली वाला व्लॉग भी तो बनाना है ना। तो ये कुछ यार मेरे कपड़े हैं, कुर्ता पजामा जो मैंने रात को पहन के जाना है, मतलब ये देखें शाइन वाले फुल। मैं लाइट करके आप ऑन करके आपको दिखाता हूँ यार, एक मिनट। फुल शाइन वाले कपड़े हैं, रात को आपका भाई पहन के जाएगा। तो मैं आपको बाहर जाकर मैं बता दूँ हमारे साथ कितने कितने बंदे हैं। तो यार हमारे साथ जो मतलब बंदे होंगे वो तकरीबन होंगे हम 7 बंदे होंगे जहाँ तक मतलब मेरा आइडिया है। एक होगा जी कल जो मेरे अभी जो आपने पीछे व्लॉग में देखा उस्मान, एक वो होगा, एक दूसरा होगा रेहान भाई जो मतलब बहुत पहले के व्लॉग्स में है मेरे, एक होंगे स्नैन भाई जो गुडे और आते हैं व्लॉग्स में, वो भी आते रहते हैं, और एक मेरा भाई होगा अहमद, एक मैं होऊंगा, 5 बंदे हम ये हो गए, और एक होगा पप्पो का बेटा जैन, और एक दूसरा कज़न होगा फात। उस दिन भी हम तकरीबन रात को थे, कितने थे, 3 और 2 5 5 बंदे उस दिन थे, और रेहान और उस्मान वो दो भाई नहीं गए थे, क्योंकि रेहान का जो था अगले दिन जुम्मे वाले दिन उसका इंटरव्यू था, और दूसरा भाई इसी तरह वैसे नहीं गया। तो आज जो है तकरीबन हम 7 बंदे हैं, तो मतलब काफ़ी हमारा मज़े का सिस्टम होगा ना, 7 जब हम उधर इकट्ठे होंगे तो डर शर तो वैसे कोई नहीं। और उधर हमारा एक कराची वाला भाई भी दोस्त बन गया, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यार आज के ब्लॉग में इतनी, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। हमें सजा है, हम है बाजारों की।